يا ربي صل وسلم دائما ابدا على
حبيبك خير الخلق كلهم. قمری اسلامی مہینے دے اعتبار نال اے رجب المرجب دا مہینہ ہے، رجب دا مہینہ. سن 60 ہجری اج تو 1374 سال پہلے، کیونکہ ہون جا رہے ہیں 1434 ہجری، 1434 دے وچوں 60 کٹ دیو 1374 ہجری. 1374 سال پہلے ایسے مہینے دی 22 تاریخ میں 78 سال دی عمر دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے، وصال فرما گئے، اللہ نو پیارے ہو گئے. اس نسبت نال کچھ گزارشات تواڈی خدمت دے وچ پیش کرن دا ارادہ ہے. گزشتہ مہینے جمعت الاخرہ دی 22 تاریخ نو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وفات سی. اس مہینے دی 22 تاریخ نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وفات ہے. 10 ذی الحجہ نو قربانی، ساڈی عید قربانی والی 10 ذی الحجہ، تاریخ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی ذبح دی، ذبح اسماعیل. تے 10 محرم اگلا مہینہ اس تو بعد آندا ہے، اودی اسلام دے اندر پہلے تو حیثیت موجود ہے. 10 محرم نو بھی ایک عظیم قربانی ہوئی، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. اے تاریخ دے عجوبات نے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چوبی سال گورنر رہے، 19 سال امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رہے. 24 سال گورنر اور پھر 19 سال بلا شرکت غیر امت مسلمہ کے حکمران. اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک سائڈ تے کر دیو، ایک پاسے کر دیو، کسے دے کہن تے انہاں نو نظراں تو پرے ہٹا دیو، تے 19 سال امت مسلمہ دا حکمران دسو کون سی امت دا؟ کہہ رہے ہیں کسے علاقے دا نہیں کہہ رہے، امت دا گورنر، امت دا امیر المؤمنین، امت دا بادشاہ، امت دا حکمران، ذمہ دار کون سی؟ 19 سال دا گیپ کوئی ایک دن دا گیپ نہیں، ایک تو پورا کرو گے.
और 19 साल हुक्मरानी कामयाब तरीन हुक्मरानी, जिस हुक्मरानी अमीरुल मुमिनीन दी हकूमत दा आगाज हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु दी सुलत होया। रबीउल अव्वल दा महीना या जुमादल उला दा महीना, महीने च फर्क है, तारीख दे अंदर सन च कोई फर्क नहीं। सन 41 हिजरी च हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल कंप्रोमाइज कीता, सुलह कीती, बैत कीती, अपनी हुकूमत खत्म कीती। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ए उन्ना विचों ने जिन्ना नू दुनिया पंज तन पाक भी कहती, उन्ना विचों दुनिया पंज तन पाक कहती, लोगों के विच एक तबके च मशहूर है। इस करके इन्हां ते उंगली नहीं रखी जा सकती। अहले सुन्नत वल जमात दियां अखां दा तारा ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु नवासे रसूल ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दा लखते जिगर ने सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु दे बड़े साहबजादे ने उंगली नहीं रखी जा सकती। बहुत बुलंद मकाम ते ने और अल्लाह दा करना है कि ए अहले सुन्नत वल जमात ते हां भी बुलंद मकाम ते ने, बरेलविया दे हां भी, देवबंदियां दे हां भी, अहले हदीस हजरात ते हां भी, और फिर उस तो बाद शिया मकतबा फिकर दे हां भी, ए पंज तन पाक उन्हां दे हां, पंज तन पाक दा हिस्सा ने जिन्हां नूं ओ पाक समझदे ने। साढ़े हां नबी दे सारे सहाबाई पाक ने, अहले सुन्नत वल जमात दे हां, जेड़ा अल्लाह दे हबीब नाल जुड़िया ओ पाक हो गया। दर्जा ते शान वखो वख है, किसे दा दर्जा बहुत उच्चा, किसे दा नीवा है, क्योंकि जदो अल्लाह कुरान चे फरमान वायु जकी हिम मेरा महबूब पाक करदा है, ये चार जगह ते कुरान च है, मेरा महबूब यतलु अलैहिम आयाती कुरान पढ़ के सुनांदा है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा कुरान समझाउंदा है, कुरान दी तालीम भी दिंदा है और हिकमत दियां गल्लां भी दसदा है। मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वायु जक्की हिम पाक भी करदा है। ते अल्लाह दे हबीब ने जे सिर्फ चार पाक कीते ने ते फिर यूनिवर्सिटी नू कामयाब आखिए या नाकाम आखिए, ते जदों लड़ लगन वाले 1.5 लाख तो भी जायद ने ते फिर जेड़ा आखे के 1.5 लाख जेड़ा भी आया ओ अल्लाह दे हबीब ने पाक कर दिता। ए अलग गल है, कोई 100 नंबर नाल पास हो गया, कोई 95 दे नाल पास हो गया, कोई 90 नंबर लैके पास हो गया, इन्हां दी नंबरिंग दे अंदर तो फर्क है, लेकिन जेड़ा मुस्तफा दे सीने नाल लग गया ओ पाक हो गया। जीना जीना आका नल लाइया यारियां, रब दे हबीब चाइया जिम्मेदारियां, अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फराइज दे अंदर ते जिम्मेदारियां दे अंदर कुरान फरमा रहा है। यतलु अलैहिम आयातिही वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता वयुज़क्कीहिम, आका पाक करदे ने, साफ करदे ने, जाहिरी भी पाक करदे ने, अंदरों भी पाक करदे ने। इसे करके
सहाबा दे बारे जो उसूल है अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल सहाबा सारे दे सारे आदिल ने ओ अल्लाह दे नबी दा दीन दसण दे अंदर फर्क नहीं जे पाउंदे ना डरते ने ना लालच चाहते ने जिथे दीन की गल आवे ते फिर सिर दर्दी बाजी लाते मेरे कमरे वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु दे हाथ ते बै अहले बैत जिन्हों सारी दुनिया अहले बैत मन दिए उन्हां दे अहले बैत होण दे अंदर इख्तिलाफ कोई नहीं ओ मेरे मुस्तफा दे नवासे ने उन्हां नू अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी बरेलवी खा उन्हां नू दुआ दी बरकत नाल अहले बैत मनन खशिया हजरात उन्हां नू अपने मौकफ दे नाल अहले बैत मनन मन दे सारे ने कोई नहीं उन्हां दा मुनकर कोई उन्हां ते उंगली नहीं रखदा ते फिर जीना दे हाथ ते उन्हां ने अपना हाथ रख दिता उन्हां नू की कहना देखो मैं वोट दे दवा मैं हाथ रख लवा मैं बैत कर लवा ये कोई दलील नहीं कि जिदी मैं बैत की वो सही हो सकता है मेरे इंतखाब गलती हो लेकिन अगर नबी दे नवासे किसे दे हाथ ते हाथ रख देने ते इनों की आखना है जेहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान दे चश्मो चराग ने अगर वो हाथ रख देने ते की कहना है और इस तो भी अगे वद के अगर जरा अपने गरेबान दे अंदर अपनी गर्दन झुका के थोड़ा जिहा सोचिए तवज्जो फरमाना क्योंकि अलामा इकबाल साहब कहते ने मिलेगा मंजिले मकसूद का उसी को सुराग मिलेगा मंजिले मकसूद का उसी को सुराग अंधेरी रात में जिसकी आंख अंधेरी रात चीते अंधेरी रात में चीते की आंख हो जिसका चराग अहले नजर जौक नजर खूब है लेकिन जो शह की हकीकत को न जाने वो नजर क्या तवज्जो करना हुकूमत है लश्कर है फौजा ने सिपा सालार ने खिलाफत है अपने हाथ दे अंदर जमामे इकतेदार है किना कोल हजरत हसन रजी अल्लाह ताला नु कोल हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला नु तो बाद हकूमत कीना कोल से जेड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला नु दे नायब कौन आए हजरत हसन रजी अल्लाह ताला नु हकूमत भी है फौज भी है लश्कर भी है जरनैल भी है ने अच्छा भला लश्कर है फौज दा लेकिन करते की पैने हजरत मुआविया नु फरमाया अपना हाथ करो अपना हाथ रख के बैत करके अपनी हकूमत खत्म उन्हां दी हकूमत मन लई हो रहे ते फिर एक वक्त आया ऐसे ही खानदान दे चश्मो चराग ने खानदान इयो ये अप्पा भी ओही अम्मा भी ओही नाना भी ओही घर भी ओही खानदान भी ओही ओही खानदान ने ऐसे खानदान दे चश्मो चराग ने छोटे भरा हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला हो ते फिर किए हकूमत भी कोई नहीं लश्कर भी कोई नहीं सिपा सालार भी कोई नहीं फौजा भी कोई नहीं है भी मुसाफिर है भी 72 अफराद मुसाफिर ने
बेवतन ने बेबस ने लेकिन कहंदे ने हाथ ते हाथ नहीं रखना। मुकाबले च कौन है? उन्हां दा बेटा जिहदे हाथ ते हाथ रखिया जा चुकिया जे। तवज्जो करना, होर उधर भी खानदान ओही, उधर भी अम्मा ते अब्बा। ओ हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्बा जान उन्हां दा बेटा खानदान ओही घर ओही लेकिन इत्थे खानदान ने नबूवत दा चश्मो चराग कहंदा है बेबसी भी है नाल भी कोई नहीं। कहंदे नहीं जी मैं हाथ ते हाथ नहीं जे रखना। इत्थे कुर्बानी और उस जगह दे उत्ते बुला के फरमाया रख दे हाथ ते हाथ। हजरत हसन ने भी बैत की थी, हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी बैत की थी। उत्ते लश्करा समेत हकूमत समेत बैत कर ली और इत्थे बेबसी दे हालत दे अंदर भी कुर्बानी दे छड़ी बैत नहीं हुई। वजह लबो, वजह पूछो, वजह खानदान एक चश्मो चराग इधर भी इधर दा ते इधर भी इधर दा खानदान दोनों पासे इको ही। एक जगह ते हाथ रखिया जा रहा है दूसरी जगह ते सिर दिता जा रहा है। इत्थे हाथ रखिया जा रहा जे इधर सिर दिता जा रहा जे। इस मसले ने मसला हल कर छड़िया है क्योंकि जदों हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दिल की नीयत साफ नाल इरादे साफ नाल दिल साफ नाल अगर चे समझण दे अंदर कुछ गलती होई सी हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु नाल जिहड़ियां चंगा इज्तिहाद की गलती हो गई, सोच की गलती हो गई, गलत फहमी हो गई, उस सोच की गलती की वजह नाल जंगा भी हो चुकी ने। लेकिन बड़ा बेटा आके उन्होंने हाथ से हाथ रख दिता है क्योंकि अगर जे कुछ मामले के अंदर तो फर्क है पर इत्थे दिल के अंदर कोई फर्क नहीं, इत्थे नीयत के अंदर कोई फर्क नहीं। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु दी नीयत साफ है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सिका और आदिल है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु तकवे दे मेयार ते ने। इस करके हाथ ते हाथ रखण दे अंदर शरी तौर दे उत्ते कोई रुकावट मौजूद नहीं ते हाथ ते हाथ रख दिता। लेकिन जदों दूसरा नंबर आया उस वेले एक पासे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दा ही खानदान है, दूसरे पासे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु दा साहबज़ादा है। लेकिन हुण मसले दे अंदर फर्क आ गया, हुण जो कुछ कीता जा रहा है उहदे अंदर रजा है इलाही दे दखल दी बजाए हकूमत ते अपने ख्वाहिशां ते नफसानी दा दखल आया। ते जदों उत्थे इस मकाम ते नुकता आया उत्थे गर्दना तां कट गईयां लेकिन मामला हल नहीं जे होया। हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा अपने खानदान नू कटवा देना और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा हजरत मुआविया दे हाथ दे हाथ रख देना इक्को ही खानदान चो दो अमल सामने ने। ये दसदे पए ने कि दुनिया वालियो जिथे मालिक दा मसला होवे रज़ाए इलाही दा मसला होवे इरादे और नीयतां साफ होण ते खानदान नबूवत उत्थे हाथ ते हाथ रखण दे अंदर कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करदा। लेकिन जिथे नफसानीयत और हकूमत दा मसला आ जाए ते हाथ तो दूर दी गल है गर्दन कुटाण च भी कोई रुकावट नहीं। अल्लाह अकबर। इहदा जवाब दुनिया च किसे उस बंदे कोल नहीं जेड़ा हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ते उंगली रखता हो।
देवबंदी ते अहले हदीस एक पासे जेड़े तबकात दे विच हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला नूं ते उंगली उठाई जांदी है ओ ता है ही बहुत अगे गुजरे होए ओ ता कहंदे ने आले बैत दे बच्चे बच्चे नूं इल्मे गैब हासिल है इन्हां नूं ता जर्रे जर्रे दा पता कतरे कतरे दा पता दिलां दा पता जाहिर दा पता बाहर दा पता ते जदों सब कुछ पता हुंदे ही कीता ते फिर खलो झगड़ा करदा फिर ता गल ही खत्म हो गई حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایدی مثال کے اشارہ کرتا ہے پیرا نے پیرا نو قتل کیتا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے صاحبزادے ہے نبی دے بیٹے یہ بھی نبی دے گھر چ ہوا پیرا نے پیرا نو قتل کیتا एक दूसरी जगह आ गई इथे भी पिरावां ने पिरा नूं चक के खूह च सुटिया बचण वाला तां मसला रब दा ना इन्होंने तो घट नहीं की थी। ये रब ने बचाना सी उन्होंने बचा लिया वरना खूह च सुटिया कोई बचता है ते खानदान ये भी नबूवत दी चुक के पिरावां ने अपने पिरा नूं खूह च सुट दिता वो भी नबी दा घर पिरा ने पिरा नूं मार दिता दोनों नबी दे घर रहे लेकिन वो जिन्हें अपने पिरा नूं मारिया वो मरदूद हो गया ते ऐ जिन्हां ने पिरा नूं खूह च सिटिया सी ये फिर भी मकबूल बन गए तवज्जो करना मसला अपनी ख्वाहिश दा सी के इस बच्ची दे नाल लड़की दे नाल मेरा निकाह होना चाहिदा है शरीयत कहंदी सी नहीं तेरा नहीं होना वो कहंदा सी नहीं मेरा निकाह होना चाहिदा मैं विचों रगड़ाई मका दिना इनू खत्म कर दिना कर दिता ते हजरत यूसुफ अलैहि सलात वसलाम दे पिरावां दा मसला की सी وہ کہندے نے اخوہ احب الی ابینا منا ونحن اسوا ابا جی ساڈے ابا جی جڑے اللہ دے نبی نے ساڈے نال پیار کٹ کردے نے ایدے نال بہتا کردے نے اینوں پرے ہٹاؤ تاکہ ابا جی بھی نے نبی نے انہاں دا پیار حاصل کر لئیے ایتھے کام اے بھی غلط ہویا खूह सिटना किसी को जायज काम तो नहीं लेकिन कादे वास्ते कीता नबी दी मुहब्बत वास्ते कीता काम गलत है कीता मुहब्बत वास्ते काम गलत है इरादा ठीक काम गलत ओथे काम भी गलत है ते इरादा भी गलत है दोनों चीजां गलत ने ते जिथे नीयत भी गलत सी ते काम भी गलत सी ओ कयामत तक वास्ते मरदूद हो गया बेशक नबी दा ही खानदान है लेकिन जिस जगह दे उते नीयत ठीक सी लेकिन काम गलत हो गया फिर आखिरकार ओ काम सही हो गया ते कहन लगे पिरा जी साडे कोलो गलती हो गई है माफ कर दे हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया ला तसरीब अलैकुम यौम जाओ तुहानू माफ कीता तुहाडे ते कोई पकड़ तकड़ नहीं का हो गया ना काम सीधा ते फिर कहन लगे अब्बा जी या अबा नस्तगफिर लना ज़ुनूबना अब्बा जी साडे वास्ते अल्लाह कोलों गुनाहां दी माफी मंग देना ऐ मेरे या अल्लाह मेरे पुत्रां नूं माफ कर दे अब्बा जी तुसी भी साडे हक च इस्तगफार करो ते पिरा कोलो भी डायरेक्ट माफी मंगी नीयत साफ सी ते काम साफ हुंदा चला गया गलत होके भी सिद्धी लैन ते आया अल्लाह तबारक वताला देना ओ फिर दोबारा महबूब बन गए ओ खानदान एक दा एक बन के रहा ओ खानदान नबूवत कट्ठे रह कट्ठे जिंदगी गुजारी एक
ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨੀਅਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਰਦੂਦ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸੋਸ ਅਫਸੋਸ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਗਈ। ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਿਆ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਕਦੇ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਕੂਫੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵੀਆ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਮੱਕਾ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਖਿਲਾਫਤ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਕੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਰੂਮੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਮਸਨਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 14 ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦਰ ਖਬਰ ਆਮਦ ਕੇ ਖਾਲੇ ਮੁਮਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਸਨਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਸਨਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਸਨਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੀਰ ਰੂਮੀ ਖਾਕ ਰਾ ਅਕਸੀਰ ਕਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਮੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਰੂਮੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਖਬਰ ਆਮਦ ਕੇ ਖਾਲੇ ਮੁਮਿਨਾ ਬੂਤ ਅੰਦਰ ਕਸਰੇ ਖੁਦ ਖੁਫਤਾ ਸ਼ਬਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਠੋ ਜੀ। ਆਖੇ ਕਿਉਂ? ਆਖੇ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉੱਠੋ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਆਖੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ, ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਜਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਉਣਾ ਉਹੀ ਆਇਆ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤਹੱਜਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ, ਰੱਬਾ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਹੱਜਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨਫਲ 'ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ।
मकाम अपना अपना है। रो रहे ने ते फरिश्तिया ने आपस गल्लां कीतियां ते शैतान कहिंदा मैं उदण इह गल सुनी बई अल्लाह तबारक व तआला ने रोण दे उत्ते 500 तहज्जुद दा सवाब दे छड्डिया ते कहिंदा हुण खतरा है बई जे अज सुते रहे ते शायद ग्राफ बुलंद ना हो जाए 1000 दा ही सवाब दा हो जाए। ते मैं कहा भी 1500 नूं रहण दिओ एक दा ही सौदा ठीक है। अच्छा जी उठ खड़ो ते तहज्जुद दी नमाज पढ़ लो। ते इदां दा वाकया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु नाल मेरे कमली वाले दे जमाने दे विच भी पेश आया। वाखिर दावा Thank you.